हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे गाइस, खैरियत से होंगे और रब हमेशा आप लोगों को सलामत रखे। मैं आपका भाई हमेशा आपके लिए ऐसी दुआ करता है। सो गाइस, आप लोग अगर किसी परेशानी में हो तो ऊपर वाला करे कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो ऊपर वाला करे आपको नौकरी मिल जाए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है तो ऊपर वाला करे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात करना शुरू कर दे। और भी जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, मेरी सब की प्रॉब्लमों के लिए यही दुआ है कि ऊपर वाला जल्द से जल्द जो है सबकी प्रॉब्लम जो है खत्म कर दे। और गाइज, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं नाइट में व्लॉग बना रहा हूँ। नाइट में व्लॉग बनाने का मेरा ना एक्चुअली मेरे इस व्लॉग बनाने के पीछे एक छोटा सा रीजन है गाइज। रीजन ये है कि आज घर वालों ने मुझे बोला कि भाई आपने मम्मी की मेडिसिन लानी है मेडिकल शॉप से। अब जो मम्मी की मेडिसिन है वो मिलती है सिर्फ एक ही शॉप से, जहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो बैठते हैं। तो मैं चला गया था मम्मी की दवाई लेने के लिए और मम्मी की दवाई ली। तो गाइज, जो बीच में अब डिस्टेंस था हमारा अप डाउन का 30-40 किलोमीटर, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों से गप्पे शप्पे मार लूं मैं। और जाम शाम भी लगा हुआ था तो मैंने कहा चलो आस्ता आस्ता जाम भी क्लियर होगा और अपने दोस्तों से गप्पे भी हो जाएंगी और ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। और तो मैं जो है अपना काम भी कर लूंगा। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ नया तो नहीं दिखा पाऊंगा, बस आपसे दो चार बातें करने का दिल किया तो सोचा चलो आपसे बातें कर लूं दो चार। सो गाइज, ऊपर वाला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हो दिल से करो और उसमें अपनी हार मत मानो गाइज। एक ना एक दिन आपको डेफिनेटली जो है ना कामयाबी मिलेगी। तो गाइज, जो भी काम आप कर रहे हैं ना, आप लोग करते रहें, बिकॉज और कोई साथ में हो ना हो, लेकिन आपके भाई की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। तो गाइज, जिस काम में भी आप लोग लगे हुए हैं प्लीज करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलने वाली है गाइज। और अपने घर वालों की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके साथ अच्छे से बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें। सो गाइज, मेरी आज जो ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं अपने दोस्तों से कुछ दो चार बातें करूं, क्योंकि यार लाइफ इंसान को एक ही बार मिलती है। तो उसी तरह से माँ बाप भी एक ही होता है, बहन भाई जो सक्के वाले होते हैं वो भी एक ही होते हैं। बाकी रिश्ते तो चलो दुनिया में बन जाते हैं, बंदा बना भी लेता है, लेकिन ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इंसान अपनी लाइफ में दोबारा नहीं बना सकता। सो गाइज, आज की व्लॉग जो है वो सिर्फ अगर आप लोग माइंड ना करो तो सिर्फ इसी पे है कि प्लीज प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप वो ऑटोमेटिकली रब आपको सलामत रखेगा। तो गाइज,
सो गाइस, मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं चला गया था मम्मी की दवाई लेने के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको लोगों को बोल रहा था कि यार आप लोग अपना ध्यान रखें और जो काम आप लोग कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि कामयाबी देने वाला ऊपर वाला होता है, किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है कि वो इंसान को कामयाब करे। बट ऊपर वाला अगर कामयाबी दे तो वो सबसे बड़ी बात है। सो गाइस, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं प्लीज आप लोग वो काम करते रहिए, दिल से करते रहिए, ऊपर वाला आपको जरूर कामयाबी देगा। और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लाइक और शेयर से आपके भाई को एक अंदर से एक नया होप आता है और आपका जो भाई है ना, ये आपके लिए बेस्ट वाली वीडियो व्लॉग जो है फिर से बना के लाता है। तो गाइस, दुआओं में याद रखना भाई को और भाई की वीडियो को शेयर लाइक करना। और गाइस, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, एक नए टॉपिक पे और एक नई जगह पे। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।